गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें हमें चेक करना है क्या ये जो नंबर इन्वॉल्व है क्या वो एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, अगर है तो क्यों है, राइट। तो इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, राइट। टैक्सी के जो आफ्टर 1 किलोमीटर के बाद कितना रुपए है, 15 रुपए है, और हर 1 किलोमीटर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा 8 रुपए इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आइए बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या लिख लेते हैं, देखिए आफ्टर 1 किलोमीटर टैक्सी फेयर इज इक्वल टू कितना है, रुपीज 15। देन अगेन लिख लेते हैं आफ्टर 2 किलोमीटर टैक्सी फेयर इज इक्वल टू 15, और हर 1 किलोमीटर के बाद 8 रुपए इंक्रीज हो जाता है, तो इसमें 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 23। देन नेक्स्ट स्टेप आफ्टर 3 किलोमीटर टैक्सी फेयर इज इक्वल टू, यानी 23 है, देन 23 में अगेन 8 इंक्रीज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, यानी 31, राइट बच्चों। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं, तो अब यहाँ से भी ऑब्जर्व करके देख सकते हैं जो एपी का फॉर्म क्या बनना है, यानी 15, 23, 31 डैश। अब यहाँ से हमें चेक करना है क्या ये एपी है या नहीं है, राइट बच्चों। तो एपी के लिए क्या फॉर्मूला चेक करने के क्या होता है, यानी कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, A2 - A1। तो यहाँ से देख सकते हैं ये 15 क्या है, A1, A2, A3। तो देखिए डी इज इक्वल टू A2 क्या दे रखा है बच्चों, यानी 23 माइनस A1 क्या है 15, माइनस करेंगे तो 23 - 15 क्या आ जाएगा 8। सेकेंड स्टेप देखते हैं, यानी डी इज इक्वल टू यानी A3 - A2, तो D इज इक्वल टू A3 क्या है 31 - 23, तो अगेन माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, D की वैल्यू यानी 8 आ जाएगा। तो इसे कंफर्म होता है जो ये क्या है 15, 23, 31, ये क्या है, एक AP है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दिस इज अ AP फॉर्म, राइट बच्चों।